ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अब मैं आप लोगों को कैसे लिखा जाता है वो बताने जा रही हूँ। ए से एडी, ठीक है, ए अक्षर। तो ये डॉट्स पे मैंने इसको राइट कर रखा है, तो आप अपने पेन से इस तरह से राइट करवा लेंगे और फिर उस पर पेंसिल से ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कर्व बनाना है, ठीक है। डॉट्स पे पेंसिल चलाते हुए आप इस तरह से कर्व बनाएंगे और जहाँ पर आपका ये एंड हो रहा है कर्व, वहाँ से आपको एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है। इस तरह से देखिए स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे नीचे की ओर, राइट साइड की ओर, ठीक है। राइट साइड की ओर आपको स्लैंटिंग लाइन बनानी है और फिर कर्व और स्लैंटिंग लाइन के बीच में से आप इस तरह से कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। टर्न होते हुए ऐसे कर्व बनाते हुए जाएंगे ना, तो इस तरह से आप यू टर्न होके एकदम सीधा ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। वंस अगेन एक बार और देख लीजिए, इस तरह से स्लिपिंग लाइन बनाते हुए आप टर्न हो जाएंगे और स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए आप ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप बनाएंगे तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक कर्व बनाना है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है और कर्व और स्लैंटिंग लाइन के बीच में से आप स्लिपिंग लाइन बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। स्लिपिंग लाइन बनाते हुए जाएंगे और यहाँ से हल्का सा टर्न होके ऊपर स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों के ऊपर आप इस तरह से एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, ये देखिए स्लिपिंग लाइन, ये हो गई आपकी स्लिपिंग लाइन और ये आपका बन के तैयार हो गया ए अक्षर, ठीक है। अब इसके अंदर हम कलर करेंगे, तो कलर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया ही है ना। जैसे आप पेंसिल से राइट किए हैं वैसे ही आपको इसके अंदर कलर से राइट करना है। ये देखिए ऐसे बताया है ना मैंने आपको, ये देखिए है ना, ऐसे आपको राइट करना है। तो सबसे पहले आप एक कर्व बनाएंगे और फिर स्लैंटिंग लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन, टर्न करते हुए ऊपर की हो जाएंगे और फिर स्लिपिंग लाइन, ठीक है। ऐसे आप सारे कलर का यूज करेंगे और ऐसे ही राइट करेंगे, कर्व स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन बनाते हुए टर्न होके ऊपर की हो जाएंगे स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और ये स्लिपिंग लाइन। इस तरह से पूरा राइट करके आप सेंड करेंगे। ओके, डू इट।